हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद आई एम मेकिंग वीडियो. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड, दैट इज ऑसिलेशन. ओके, नाउ द वर्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है? ऑसिलेशन तो सबको मालूम है क्या होता है, आप लोग ऐसे बताते हो या फिर आप हैंड से बताते हो, लेकिन ऑसिलेशन जब पूछा जाता है तो वर्डिंग्स में हमको नहीं आता है, राइट? तो ऑसिलेशन बेसिकली इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन. ओके, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या? देर इज अ टू एंड फ्रो मोमेंट. ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब अगर आपको ऑसिलेशन अगर कोई किसी ने पूछा तो आपके दिमाग में पहले आता है, यस, क्या आता है? पेंडुलम आता है जो यहां से यहां जाता है, राइट? सो इफ दिस इज द पेंडुलम, अगर आपने एक साइड उसको खींच लिया एंड इफ यू रिलीज इट, देन व्हाट विल हैपन? इट विल गो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो ओवर हियर, देन इट विल कम बैकवर्ड एंड अगेन इट इज गोइंग हियर, अगेन इट इज गोइंग हियर. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑसिलेशन. लेकिन अगर जितना टाइम वो इतना हाफ कवर करने में लगता है उतना ही टाइम वो इस साइड भी लेता है. ओके, आफ्टर दिस ये एक ऑसिलेशन होता है, जहां से आप रिलीज करते हो वो इतना पूरा एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए और वापस एक ही पॉइंट पे आते हैं जहां से उसने रिलीज किया था. अगर वो वही पॉइंट पे आता है तो ये हम लोग उसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन. कितने भी ऑसिलेशन हो जाए, इसका टाइम, सबका टाइम सेम होता है. ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. और पीरियोडिक मोशन रिपीट होता है हर टाइम के बाद, मतलब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द सेम मोशन. दिस मोशन इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेशन. और यू कैन से पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेशनल मोशन ऑल्सो यू कैन से. ओके, तो ये सब ऑसिलेशन होता है. ऑसिलेशन मतलब हमारे दिमाग में पहले तो पेंडुलम ही आता है, उसी को एग्जाम्पल लेके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. ओके, अभी इसके और एग्जाम्पल क्या है? अगर आपने देखा तो फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग है. ओके, इस स्प्रिंग को अगर आपने एक हैवी लोड लगा दिया, हैवी लोड या फिर आप डेड मास बोलो, जिसका मास हमको मालूम नहीं है, कांस्टेंट रहता है. यहाँ पे अगर मैंने लोड लगा दिया और इसको मैंने क्या किया, एक रिजिड सरफेस से इसको फिट कर दिया, तो व्हेन आई स्ट्रेच द स्प्रिंग या फिर मैं इसको खींचूंगी नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये रिलीज करने के बाद ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ये करता रहेगा. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द स्प्रिंग. ये भी एक ऑसिलेशन हो जाता है. ओके, तो ये भी एक ऑसिलेशन हो जाता है. अगर आपने सिलाई मशीन अगर देखी है टेलर के पास, राइट, तो टेलर के पास भी जो सिलाई मशीन की जो सुई होती है, ओके, निडल होता है, वो भी ऊपर नीचे होता ही रहता है. और हम लोग क्या करते हैं, वो कपड़ा आगे 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 सरकाते हैं, राइट, और उसी की वजह से क्या होता है, स्टिचेस आ जाते हैं ऐसे, राइट. लेकिन अगर इसका हम लोग सिर्फ निडल के बारे में सोचे तो निडल भी तो ऊपर नीचे जा रहा है, राइट. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ये लेफ्ट राइट ही जाना चाहिए, इट इज नॉट कंपल्सरी, ये ऊपर नीचे भी जा सकता है. अगर कोई मोशन रिपीटेडली रिपीट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर वक्त वो सेम ही टाइम लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं. सो स्विंग मशीन, पेंडुलम, ये स्प्रिंग ले लो, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, ऑसिलेशन के हो जाते हैं. वाइब्रेशनल मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपने एटम्स देखा जाए, ओके,
किसी भी एलिमेंट का या फिर एटम देखा जाए तो एटम में जो एटम्स जो होते हैं, अगर आपने उसको वाइब्रेट किया तो उसका जो मूवमेंट है उसके अंदर के एटम्स भी क्या होते हैं, उसी जगह पे वो क्या होते हैं, मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूवमेंट होते हैं. ओके, तो इसको भी वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं. तो ये सब है ऑसिलेशन. अभी ऑसिलेशन के अंडर दो टाइप्स आते हैं. ओके, दो टाइप्स आते हैं. एक है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. पहले पार्ट में तो ये हम लोग समझेंगे और इसी को हम लोग एनालॉगस करके एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप के अगर हम लोग देखेंगे, लीनियर और एंगुलर. ओके, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर पूछेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नथिंग बट इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच द बॉडी विल यस डिस्प्लेस फ्रॉम अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन. स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन मतलब क्या होता है, अभी देखो अगर मैंने इसको खींचा ही नहीं तो ये उसके अपने खुद के स्टेट में रहेगा अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज बीन अप्लाइड. तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल पोजिशन होता है. अगर मैंने इसको खींचा तो ये स्टेबल कंडीशन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है. वाई? बिकॉज इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया. ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन मतलब क्या होता है, वेयर द फोर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन. ओके, एंड इफ हमने वही डिस्प्लेस किया वो पार्टिकल या फिर वो बॉडी बोलो. ओके, इफ द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो मूवमेंट. ओके, उसी के पोजीशन पे इक्विलिब्रियम, उसी के पोजीशन पे अगर वो क्या हो गया, टू एंड फ्रो मूवमेंट हो गया. ओके, आफ्टर रिलीजिंग इट देन दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको बोलते हैं. लेकिन अगर वो लीनियरली ट्रैवल कर रहा है ओके इन वन लाइन, देन हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगर उसका डेफिनेशन हो अगर समझा जाए तो आपके बुक्स में है, मैं आपके लिए रीड करती हूँ. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द रीस्टोरिंग फोर्स. अभी रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब मैं समझाती हूँ आपको. रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डिरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजिशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन. यह है लीनियर. ओके, अभी एंगुलर मतलब क्या? एंगुलर मतलब है आइदर इट इज गोइंग इन अ सर्क्यूलर फॉर्म और आइदर इट इज गोइंग इन अ रोटेशनल फॉर्म. तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लॉक बोलो या फिर यही पेंडुलम अगर आपने ऐसे गोल गोल घुमा, जैसे आप चाबी गुलाम घुमाते हो वैसे ही अगर आपने ऐसे ऐसे घुमा दिया तो ये हो जाएगा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, तो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम लोग यही एग्जाम्पल लेंगे. ओके, यहाँ पे अगर मैंने कुछ फोर्स नहीं लगाया तो ये हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे इसको. अगर मैंने फोर्स लगा दिया, देखो ये जो मैंने अभी इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में बोला था, रीस्टोरिंग फोर्स. ओके, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे के से. ओके, ये रीस्टोरिंग फोर्स का कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट के, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट. ओके, अभी रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो अगर हमने लीनियर है तो हम लोग चलो ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको स्प्रिंग को लगाएंगे. हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग को लगा दिया, इसको मैंने एक मास ब्लॉक लगा दिया बड़ा सा जिसका कोई मास है. ओके, अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, आई एम नॉट अप्लाइंग एनी ऑफ द फोर्स कुछ भी नहीं लगाया. अभी मैं क्या करूँगी इसको, यस मेरे राइट साइड में इसको मैं खींचूंगी. ओके, स्ट्रेच करूँगी. आप भी अपने दिमाग में थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, फिजिक्स हमेशा इमेजिनेशन होता है लेकिन मैकेनिकल नहीं. इमेजिन करो कि आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है,
स्ट्रेच करने के बाद इसके जो थ्रेड्स है ये थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएंगे, बड़ा बड़ा थोड़ा इन दोनों इनमें स्पेस हो जाएंगी और ये ब्लॉक हमारा ऐसा यहाँ पे आ जाएगा. ओके, आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेच टूवर्ड्स माई यस राइट साइड. तो अगर ये स्ट्रेच करेगा, देखो ये इसका इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब उसका ओरिजिनल पोजीशन है. ओके, और ये यहाँ पे आ गया हमारा, यस हमने स्ट्रेच यहाँ तक किया उसको. तो ये कितना मैंने स्ट्रेच किया, एक्स. ओके, कितना डिस्टेंस हुआ, एक्स डिस्टेंस हुआ, इतना वो डिस्प्लेस हुआ, मैंने स्ट्रेच किया. अभी अभी मैंने इसको क्या किया, रिलीज किया. रिलीज होने के बाद ये क्या होगा, यस इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये स्क्वीज हो जाएगा. रिलीज करने के बाद ये स्क्वीज, व्हाई इट इज स्क्वीजिंग, ये पूरा श्रिंक क्यों हो जाएगा, बिकॉज ये स्प्रिंग है, इसके अंदर भी ये, अगर आपने इसको खींचा तो ये ब्लॉक को भी उसी डिरेक्शन, अपोजिट डिरेक्शन में खींचेगा. तो मतलब क्या, अगर आपने इसको खींचा है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स में वो क्या करेगा, यस इक्वल ही फोर्स लगाएगा, सॉरी यहां पे आ जाएगा वो. ओके, यहाँ पे ये आपका ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है. इसका मतलब ये अंदर की तरफ क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करेगा और थोड़ी देर के बाद अगर आप देखो ये यहाँ मिडल पॉइंट पे आएगा और थोड़ी देर के बाद ये यस यहाँ पे आ जाएगा. अगर आपने देखा तो यस रिलीज करने के बाद यहाँ आपने फोर्स कुछ तो लगाया राइट, और इस डिरेक्शन में लगा दिया. उसके बाद स्ट्रिंग ने, ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग ने भी उसको क्या किया, खींचा लेफ्ट साइड में. ये जो स्प्रिंग लेफ्ट साइड में खींच रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग. ओके, और इतना डिफरेंस आ जाएगा. आपने देखा ये डॉटेड लाइन हमारी मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से ये इतना स्क्वीज हो गया, इतना डिस्टेंस कम हो गया इसका राइट. तो ये खींच रहा है अंदर, बाद में वापस ये इसी स्टेज में जाएगा, ये स्टेज आ जाएगा और ये एक दूसरे, ये ऐसा एक स्टेज हमेशा रिपीटेड रिपीटेड होता जाएगा होता जाएगा. इसी को हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. ओके, अभी इसी को अगर आप कन्वर्ट करो इक्वेशन में, ये जो हमने अभी एक्सप्लेन किया ना, फोर्स अगर लगा दिया, रिस्टोरिंग फोर्स भी आता है और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसी को अगर आपने कन्वर्ट किया किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में तो ये कैसे बनेगा. देखो, now in this case, okay, the force which is exerted by the spring is nothing but called as what, restoring force. And now this restoring force can be written as F is directly proportional to minus x. Now why I am writing minus over here, because यहाँ पे अपोजिट फोर्स लग रहा है. मैंने इस साइड खींचा था राइट साइड में, स्प्रिंग ने लेफ्ट साइड में खींच दिया, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो एक दूसरे से क्या, मतलब एक को माइनस साइन आ जाएगी. वाई, बिकॉज इट इज डिस्प्लेसिंग इन एन अपोजिट डिरेक्शन. ओके, सो देयरफॉर व्हेन यू ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दो तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट के आ जाएगा. इसी के को कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, यस रीस्टोरिंग फोर्स कॉन्स्टेंट बोलेंगे. ठीक है, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज वॉट, फोर्स कॉन्स्टेंट. ये है आपका पहला इक्वेशन, यहाँ पे माइनस साइन आएगी. ये है आपका पहला इक्वेशन ऑसिलेशन का. इसी इक्वेशन को यूज करते हुए आपको आगे का बड़ा सा एक डेरिवेशन आपको करना है. तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल एक बड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यस सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, क्लियर.